प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे BCC बोर्ड के तरफ से जो है आपको 12 सितंबर को एक अपडेट दिया गया, जिसमें आपका बिहार DLRS का जो एग्ज़ाम्स हुआ, जिसमें स्पेशल सर्वे अमीन, कानून गो, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स, क्लर्क, इन सभी का जो है एग्ज़ाम आपका जो है 5 अगस्त से आपका जो है 30 अगस्त के बीच में जो है अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, जो कि 2 फेज में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, तो ये जो 2 फेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, उसका आंसर्स की को लेकर मैं जब भी वीडियोस बनाता था कि आपका जो है 15 सितंबर तक है ना, 15 सितंबर तक जो है आपको आंसर्स की जो है आ जाएगा, उससे रिलेटेड नोटिस भी है जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और फाइनली जो है 12 सितंबर को यानी कल के डेट में आपका जो है नोटिस भी जो है लगभग 8 बजे के आसपास जो है रात में नोटिस जो है दिया गया। और कई सारे लोग वीडियोस जब मैं बनाता था तो बोला जाता था कि भाई तुम गलत वीडियोस बना रहे हो, अब आंसर की नहीं आएगा, डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ यार कि उन लोगों को ना आज अपने कमेंट्स पे उनको जो है अफसोस आ रहा होगा कि यार क्या कमेंट करते थे। और इवन नॉट इवन पर डे मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते थे कि भाई तुम जो मन करता है वो बोल देते हो, तुम सही से इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, पहले खुद जाकर सीखो। मतलब बहुत सारा, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि मतलब जलील करना जिसको कहा जाता है, ठीक है, उस पर्पस से आकर जो है सिर्फ कमेंट करते थे। लेकिन जब आज यहाँ पे आंसर्स की देखने को मिला ना 15 सितंबर से पहले, क्योंकि मैं बोलता था हमेशा कि 15 सितंबर तक जो है आपका आ जाएगा, तक का मतलब है कि 15 सितंबर को भी आ सकता है या उससे पहले भी आ सकता है, ये मैं हमेशा बोलता था, हर वीडियोस में बोलता था। और आज खुशी हो रही है कि चलो मेरी बात कुछ हद तक जो है सही हुआ, 15 सितंबर तक जो है आपका मतलब आंसर्स की जारी करने को जो है नोटिस जारी कर दिया गया। और इस नोटिस में आप देखिएगा तो इस नोटिस में साफ तौर पे पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार फिर से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसे ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर लिया था, लेकिन फिर से मैं इसको जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस में देखिएगा तो नोटिस में जो है लिखा गया है कि जो 5 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, उसका आंसर क्वेश्चंस और रिस्पांस और स्टैंडर्ड आंसर जो है वेबसाइट पे जो है अपलोड किया जाएगा कल से यानी आज से, है ना। यहाँ पे दिया गया है कि 13 सितंबर यानी आज जो है आपको अपलोड किया जाएगा, मानकर चलो कि 12 बजे तक, है ना, 12 बजे तक जो है आपको लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर जो है आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लिंक अवेलेबल होगा, पहला नंबर पे आपका आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल वाला सेक्शन में, पहला नंबर पे लिंक आएगा ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे के नाम से। उस पर जो है क्लिक करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन करना होगा और अपना जो स्टैंडर्ड आंसर्स है और क्या क्वेश्चंस था, आपने क्या जवाब दिया है, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कब तक आप चेक कर सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं 17 सितंबर तक। कब तक? 17 सितंबर तक जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चैलेंज करना है तो चैलेंज भी जो है आप 17 सितंबर तक जो है कर सकते हैं, अगर आप कोई स्टैंडर्ड आंसर दिया गया और उससे आप संतुष्ट नहीं है तो। चैलेंज करने के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ी रखा गया है वो 100 रुपया रखा गया है, जो कि आज से लगभग 3-4 दिन पहले के वीडियोस में मैंने बताया था कि आपका जो है प्रोसेसिंग फ़ी जो है 100 रुपया रखा जाएगा। प्रोसेस भी मैं उस वीडियोज़ में बताया था, लेकिन फिर भी अब हर लोग का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो अपना अपना जो है कमेंट करते थे कि तुम गलत हो, ये हो, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी बताया था, बट फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्रिएट चैलेंज पे क्लिक करके, है ना, आपको ये ऑप्शन चूज़ करने होंगे।
और इनमें से जो भी आप चूज करेंगे उसका कैरेक्टर एक सोर्स कि आप कैसे आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ जो है गलत आंसर दिया गया है, वो चीज़ें आपको जो है रिस्पॉन्स कर सकते हैं। और जो 100 रुपये आपका पेमेंट लिया जाएगा वो वापस कर दिया जाएगा अगर आपका चैलेंज सही होता है तो, और अगर आपका चैलेंज सही नहीं है मतलब स्वीकार नहीं किया जाता है तो आपका पैसा फिर वापस नहीं किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। या पेमेंट आप नहीं करते हैं तो फिर तो चैलेंज ही नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके आप जो है उस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका साफ तौर पे लिखा गया है कि चैलेंज विंडो प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत स्कोरिंग का कार्य होगा, है ना। जैसे ही आप चैलेंज प्रक्रिया ख़त्म होगा 17 सितंबर को आपका जो है चैलेंज का ख़त्म होगा, यानी 18 सितंबर से आपका जो है स्कोर कार्ड बनना स्टार्ट होगा, है ना। स्कोर कार्ड पे आपका जो है काम होगा और उसके बाद जो फाइनल स्कोर कार्ड है उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी, है ना। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी और नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया होने के बाद आपको जो है मानकर चलो कि 10 अक्टूबर तक, है ना, 10 अक्टूबर तक आपको जो है स्कोर कार्ड यानी एक जो रिज़ल्ट है वो आपको जो है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक नोटिस भी दिया गया है, कैंडिडेट आर डायरेक्टेड नोट टू टेक एनी प्रिंट और रिप्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स सीट इन एनी फॉर्म। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कैंडिडेट को जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। मतलब कि जो आंसर्स की आप का जारी किया जाएगा उसे आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि बीसीसी बोर्ड का हमेशा यही रहा है कि भाई आपको क्वेश्चन तो हम नहीं लेके जाने देंगे, है ना, आपका को क्वेश्चंस हम नहीं लेके जाने देंगे। तो उस केस में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे जो आंसर्स की जारी किया जाएगा उसको बस आप देख सकते हैं ऑनलाइन ही, उसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द कंटेंट ऑफ रिस्पॉन्स सीट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, वायलेशन ऑफ सेम विल बी व्यूड सीरियसली एंड नेसेसरी लीगल एक्शन विल बी टेकन। और अगर ऐसा काम कोई करता है, है ना, या इस ये जो चीज़ें बोली गई है इसको अगर कोई वॉयलेट करता है मतलब उल्लंघन करता है इस चीज़ को, तो उस केस में, है ना, उस केस में उस पे जो है एक सीरियस और नेसेसरी लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से आप मानकर चलिए कि ये हमारे लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन है, है ना, या हमारे जैसे और जितने भी लोग हैं जो वीडियोस बनाएंगे कि देखो इस क्वेश्चंस का ये आंसर्स होगा, तो रिप्रोड्यूस करना वहाँ पे हो जाएगा, है ना। वहाँ पे प्रिंट तो नहीं हो रहा है लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस के फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस अगर करते हैं तो जो इसका नियम है उसका तो उल्लंघन हो जाएगा। तो उस केस पे हमारे ऊपर या हमारे जैसे जितने भी लोग होंगे वो अगर इस तरीके का काम करते हैं तो उनके ऊपर जो है एक लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा, अगर बीसीसी बोर्ड को ये चीज़ें पता चलती है तब। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे, हाँ, वीडियोस मैं बना दूँगा कि कैसे आपको चेक करना है, लेकिन रिस्पॉन्स की पूरा मैं नहीं दिखाऊँगा कि भाई पूरा क्या है, ठीक है, पूरा मैं नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मैं भाई जो रूल्स दिया गया है उसका वायलेशन मैं नहीं करना चाहता, मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूँगा, ठीक है। आपको बस स्टेप्स बता दूँगा जहाँ तक ज़रूरी है, जहाँ तक मैं आपको स्टेप्स बता दूँगा, क्योंकि कुछ लोगों, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास डाटा है क्योंकि उन्होंने जो है मेरे साथ शेयर किया था, तो उसके थ्रू जो है मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो स्कोर कार्ड है,
अब ध्यान रखिएगा कि जो स्कोर कार्ड है वो आपका जो है 10 अक्टूबर तक है ना, दुर्गा पूजा से पहले आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। और उम्मीद भी रखिए कि दुर्गा पूजा से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है ना, दुर्गा पूजा से पहले ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है, स्कोर कार्ड आएगा और जस्ट तुरंत मतलब विद इन 1 to 2 days या हो सकता है कि स्कोर कार्ड आया साथ ही साथ आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो है नोटिस साथ ही जो है दिया जाए कि आप स्कोर कार्ड अपना चेक कर लीजिए और इतना तारीख से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इट मे बी पॉसिबल इस तरीके का हो सकता है, अभी उम्मीदें बता रहा हूँ। लेकिन स्कोर कार्ड जो है 10 अक्टूबर तक या हो सकता है कि पहले भी जारी किया जाए, लेकिन 10 अक्टूबर एक डेडलाइन आप मान कर चलिए कि उससे पहले जो है आपको जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आपका 18 सितंबर से आपका जो है काम स्कोर कार्ड पे काम करना स्टार्ट करेगा, तो 18 सितंबर से अगर काम करना स्टार्ट करेगा तो मान कर चलिए कि 30 सितंबर तक आपका जो है लगभग काम कर लेगा। तो उसके बाद उसको डिजिटल फॉर्मेट में बनाना, पब्लिश करना में थोड़ा 2-4 दिन आप मान कर चलिए कि, तो मतलब 10 अक्टूबर मैक्सिमम मैं लेकर चल रहा हूँ कि उससे पहले भी आ सकता है, बट मैक्सिमम 10 अक्टूबर तक आपका जो है स्कोर कार्ड आ जाएगा, ये 100%। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।